हेलो एवरीवन लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे अबाउट फाइलम मोलस का जिस टॉपिक को हम फिनिश कर चुके हैं इन टूडेज लेक्चर विल बी टॉकिंग अबाउट फाइलम इकाइनो डरमेटा वेल इकाइनो डरमेटा है क्या इकाइनो डरमेटा है वो फाइलम जो कि फाइलम कॉर्डेटा का सबसे करीबी नॉन कॉर्डेट फाइलम है इकाइनो डरमेटा इस वर्ड का क्या मतलब है इकाइनो इंडिकेट मतलब करता है कांटों को स्पाइन एंड डर्म का मतलब हुआ स्किन यानी ये वो एनिमल्स हैं जिनके पास स्किन पर स्पाइंस या कांटे हैं सो दीज आर स्पाइनी स्किन एनिमल्स राइट वेल इकानो कॉर्डेटा का इतना करीबी क्यों हुआ रीजन है कि इसके कुछ कैरेक्टर्स ऐसे हैं जो कि केवल और केवल कॉर्डेटा में ही पाए जाते हैं राइट right? सो so, पढ़ लेते हैं वो कैरेक्टर्स कौन से हैं बट उससे पहले एक बार उसी चीज को मैं दोबारा दोहराऊंगी कि हर फाइलम की एक पिक्चर दिमाग में होनी चाहिए तो जब भी कोई बोले इकाइन ओ डरमेटा हमारे दिमाग में जो पिक्चर आनी चाहिए दैट शुड बी ऑफ दिस इज स्टारफिश राइट तो स्टार फिश के ऊपर ऐसे कांटे होते हैं स्पाइन ऑल ओवर जिसके बारे में डिटेल में आपको आगे पढ़ाने वाली हूं राइट सो इकाइनो का सबसे पहला बेसिक कैरेक्टर टॉकिंग अबाउट इट्स हैबिट एंड हैबिटेट तो तब इमेजिन करो स्टारफिश को स्टारफिश फिश मिलेगी स्टारफिश आपको नदियों में तो नहीं मिलेगी जमीन पर चलती हुई तो नहीं मिलेगी इट इज़ फाउंड ओनली एंड ओनली इन सी वॉटर सो इनकी हैबिटेट है एक्सक्लूसिवली मरीन इससे पहले एक और फाइलम हमने पढ़ा था दस फाइलम टीनोफोरा जो कि केवल और केवल मरीन होता है राइट एंड दीज ऑल आर फ्री लिविंग राइट नेक्स्ट इज their लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एस की ऑनवर्ड्स यानी एस हेलमेंट्स ऑनवर्ड्स जितने भी फाइलम है सब में पाया जाता है organ सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन राइट अब क्योंकि ऑर्गन सिस्टम है तो कायदे से इनके पास सिमेट्री होनी चाहिए बाई बट ऐसा नहीं है देर इज अ कैच अब स्टारफिश को ही देखो स्टारफिश को अगर मैं काटना चाहूं तो आई कैन कट इट लाइक दिस आई कैन कट इट लाइक दिस दिस वे राइट मैंने कोई प्लेन मिस किया नहीं राइट right? थोड़ा सा टेढ़ा है बट but... आई गेस यू कैन मैनेज हे ऑल्सो तो पांच अलग अलग प्लेन्स के जरिए स्टारफिश को बांटा जा सकता है तिरछा या रेडियली इसे डिवाइड किया जा सकता है तो इस टाइप की सिमिट्री कैसी हुई इट इज अ लेस डेवलप्ड सिमिट्री दैट इज रेडियल सिमिट्री इनफैक्ट पांच बार रेडियल सिमिट्री या रेडियल प्लेन्स के जरिए बांटा गया सो इट इज पेंटाम radial पर अब आप पूछोगे कि मैम इतना एडवांस आप फाइलम बता रहे हो और उसमें इतनी लेस एडवांस्ड सिमेट्री ऐसा नहीं है बच्चों इसका जो लार्वा है वो होता है बाइलेट्रली सिमेट्रिकल जैसे जैसे ये अडल्टुड की तरफ बढ़ेगा ये रेडियली सिमेट्रिकल हो जाएगा यानी जो इसका लार्वा है वो ज्यादा एडवांस्ड ज्यादा डेवलप्ड है और ज्यादा क्लोज है टू दी कॉर्डेट ग्रुप इनफैक्ट इसका जो लार्वा है वो काफी हद तक कॉर्डेट्स के जैसा दिखता है और इसी वजह से कॉर्डेट लार्वा जैसा दिखता है और इसी वजह से भी ये काफी करीबी है कॉर्डेट्स का राइट सो हेयर वी कैन राइट दो लार्वा इज आई रोट लार्वे लार्वा इज बाईलेटुरमिट्रिकल इज दट क्लियर मूविंग ए हेड अब आती है बारी इनकी जोमलेयर्स की ऑर्गन सिस्टम तक डेवलपमेंट हो गया तो तीनों जर्म लेयर्स प्रेजेंट हैं दीज आर ट्रिप्लो ब्लास्टिक इन नेचर तो बॉडी वॉल पर कौन कौन सी लेयर्स होंगी बॉडी वॉल पर जो लेयर्स हैं सबसे बाहर प्रेजेंट होती है एपिडर्मिस पी यानी ऊपर डर्मिस यानी स्किन यानी स्किन के ऊपर का एक पतला कवर राइट right? इसके ठीक नीचे प्रेजेंट है डर्मिस एंड नेक्स्ट इज इट्स मीजोडम बच्चों जो ये स्पाइंस हैं, राइट right? स्पाइंस आर प्रेजेंट इन डरमिस ये स्किन के अंदर प्रेजेंट होते हैं सो डर्मिस हैज गॉट सर्टेन स्ट्रक्चर्स जो कि एपीडर्मिस से बाहर निकले हुए हैं राइट सो आई कैन राइट डर्मल स्ट्रक्चर्स पियर्स थ्रू एपिडर्मिस, राइट एंड डर्मिस में स्ट्रक्चर्स कौन कौन से हैं डर्मिस में दो बेसिक स्ट्रक्चर्स जो ज्यादा इंपॉर्टेंटली यहां पर प्रेजेंट है वन इज द स्पाइंस एंड अदर वन इज री दोनों के बारे में मैं वहां पढ़ा रही हूँ जहां पर मैं इनका सिंस सरफेस दिखाऊंगी ताकि वो इजीली इन स्ट्रक्चर्स को मैं समझा सकूँ वहीं पर मीजोडम क्या करती है मीजोडम और साथ ही साथ बोनी ऑसिकल्स हैं यानी यहाँ पर छोटी छोटी हड्डियां हैं और उन हड्डियों से ही फर्दर ये जो हैं ये बाहर की तरफ निकले हुए हैं मतलब स्पाइन्स उन्हीं बोन्स के ऊपर टिके हुए हैं राइट सो दीज बेसिकली जो स्पाइन हैं ये जो डर्मल स्ट्रक्चर हैं ये मीजोडर्म से होते हुए ऊपर की तरफ आए हुए हैं सो दीज आर लाइक दिस और ये बाहर एपिडर्मिस को चीरते हुए बाहर आ जाएंगे और स्किन सरफेस पर दिखाई देंगे इज दट क्लियर टिल दिस पार्ट नोट डाउन प्लीज इसके बाद बारी आती है इनके सीलोम की यानी बॉडी कैविटी की वेल एनालिडा के बाद जितने भी फाइलम हैं, सब में पाया जाता है ट्रू सीलोम तो इसी वजह से ये भी हैं ट्रू सीलोमिक या यू सीलोमेट एनिमल्स बट अनलाइक नॉन कॉर्डेटा पहली बार इनमें देखने को मिला एंटेरो सीलोम यानी इंटेस्टीन के साथ साथ ही डेवलपमेंट हो जाता है सीलोम का सो सीलोम डेवलप्स विद गट इज दैट क्लियर नेक्स्ट इज सेगमेंटेशन वेल सेगमेंटेशन केवल तीन फाइलम में प्रेजेंट है वन इज एनोलिडा अनदर इज आर्थ्रोपोडा एंड लास्ट वन इज कॉर्डेटा राइट सो यहां पर सेगमेंटेशन नहीं पाया जाएगा सो इट इज एबसेंट अब बात कर लेते हैं इनके बॉडी प्लान की वेल well, जब डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है जो कि सब उन फाइलम में पाया जाएगा जहां पर भी ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट है उनके पास जो बॉडी uh, प्लान होता है दैट इज ऑलवेज ट्यूब विद इन ट्यूब टाइप वेल एक बार मैं इनका बॉडी सरफेस आपको समझाना चाहूंगी ताकि इनके स्ट्रक्चर आप इजीली समझ सको सो लेट्स टॉक अबाउट their body. I mean the type of body they have, what all structures do they have? तो एक काम करते हैं हम लोग लेते हैं starfish. हेयर वी हैव आर स्टार फिश सबसे पहले पढ़ लेते हैं इनके सरफेस स्ट्रक्चर्स को राइट right? तो सरफेस पर कौन कौन से स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं सबसे पहला जो स्ट्रक्चर यहां प्रेजेंट है जिसने इस पूरे फाइलम को नाम दिया वो है यहां पर प्रेजेंट स्पाइंस राइट और ये स्पाइन कहां से है मीजोडॉर्मली अंदर अंदर की तरफ को जो बॉडी का अंदर का सरफेस है उस पर ऐसे छोटे-छोटे छोटे-छोटे हड्डी के टुकड़े हैं या ऑसिकल्स हैं बोनी ऑसिकल्स उन्हीं से ये निकल करके बाहर आए हैं ये डर्मिस पर प्रेजेंट है और इन्होंने एपिडर्मिस में छेद किया हुआ है इज दैट क्लियर द अदर स्ट्रक्चर इज ऐसे करके बाहर तीन बोनी प्लेट्स से बने हुए हैं ये ऐसा था जैसे कि चम्मच हो या क्या लो पिंसर की तरह इनका स्ट्रक्चर होता है इन्हें कहा गया अब स्पाइंस का फंक्शन तो सबको पता है स्पाइन का फंक्शन है प्रोटेक्ट करने का राइट पेटिसलरी क्या करेगी पेटिसरी चम्मच जैसी है और अगर कोई डेड डेबरीज या कोई भी ऑर्गेनिज्म uh, यहाँ पर मान लो मरा हुआ है और वो आकर स्किन सरफेस पर प्रेजेंट है तो उसे हटाने का काम करेगी राइट सो इट्स फंक्शन इज क्लियरिंग डेबरीज फ्रॉम द सरफेस राइट right? और तीसरा स्ट्रक्चर जो आपको सरफेस पर ही दिखाई देगा वो क्या होता है इनका अंदर जो सीलोम है अब सीलोम बिल्कुल अंदर की तरफ प्रेजेंट है अब इनकी स्किन जो है वो कई कई जगह पर उभर जाती है सीलोम के अंदर जो फ्लूड प्रेजेंट है वो धक्का देगा आउटर लेयर को इनके एपिडर्मिस और डर्मिस को जिसकी वजह से जगह जगह पर इस तरीके से उभार आ जाते हैं राइट सो ये सीलोमिक एलिवेटेड रीजन हैं इन्हें नाम दिया जाता है पैप्यूले या डर्मल ब्रैंके ब्रोंकाई जैसा साउंड कर रहे फंक्शन भी इनका वैसा ही है इनका फंक्शन है रेस्पिरेशन में मदद करने का सो ये सभी हो गए हमारे इकाइनोडर्म्स के स्किन सरफेस पर प्रेजेंट स्ट्रक्चर्स अब बात कर लेते हैं इनके इंटरनल स्ट्रक्चर्स की तो उसको थोड़ा सा डायमेंशन दे देते हैं कुछ ऐसी होगी स्टारफिश राइट right? अब यह है स्टारफिश का ऊपर वाला सरफेस यानी यह है इसका डोरसल व्यू तो जो डॉर्सल सरफेस है इस पर प्रेजेंट है इनका एनस कायदे से एनस वेंट्रल साइड पर होना चाहिए पर इनके डॉर्सल सरफेस पर ही प्रेजेंट है एनस तो अगर मैं एक वेंट्रल व्यू भी साथ की साथ ले लेती हूं यानी जो जमीन से सटा हुआ इसका हिस्सा है जो सरफेस है वो सरफेस सो दिस इज इट्स वेंट्रल व्यू तो यहां प्रेजेंट होगा इसका माउथ तो वेंट्रल सरफेस को मैं कह सकती हूं कि ये है ओरल सरफेस तो जिस पार्ट पर एनस प्रेजेंट है ये हो गया एबोरल सरफेस इज क्लियर यहां पर एक ऐसे ट्यूब सी होती है और उस ट्यूब के ऊपर यह ट्यूब उभरी हुई है और इस ट्यूब के ऊपर एक प्लेट सी है जिसमें छेद है देख क्लियर? इस छेद वाली जो प्लेट है उसे नाम दिया जाता है मेड्रीपोराइट इट right? तो ये मेड्रीपोराइट है क्या मेड्रीपोराइट इज सीव्ड प्लेट यानी छलनी वाली प्लेट है जो कि ओपन करती है इस ट्यूब के अंदर इस ट्यूब को कहा जाता है स्टोन कैनाल इससे होते हुए यहां पानी की एंट्री होगी और ये पानी बॉडी के अंदर चला जाएगा राइट सो इट्स सीव्ड प्लेट एंड इट इज फॉर एंट्री ऑफ वॉटर इन एम्ब्यू लेकरल सिस्टम या वॉटर वेस्कुलर सिस्टम बॉडी के अंदर जैसे कि हमारी बॉडी में वेस्कुलर फ्लूड या सर्कुलेटरी फ्लूड जिस तरीके से ट्रेवल करता है वैसे इनकी बॉडी के अंदर पानी ट्रेवल कर रहा है एंड दैट इज बिकॉज ऑफ दिस इससे होते हुए इस ट्यूब के अंदर पहुंचा अब बॉडी के अंदर चला गया अब बॉडी के अंदर क्या है अंदर की तरफ को ऐसे करके एक ट्यूब है जिसमें जाके एक खुलेगा यह कैनाल है इस कैनाल को कहा जाता है रिंग कैनाल राइट right? अगर मैं दूसरी तरफ का व्यू देखूं वैसे तो इसमें भी दिखाई देगा दूसरी तरफ के व्यू में भी मैंने ऐसे अगर सपोज स्टारफिश को काट दिया पूरा इस तरीके से मैं इसे कट कर दूं और एक ट्रांसफर सेक्शन ले लिया मैंने इसका तो मुझे ये ट्यूब कुछ ऐसे दिखाई दे रही है अंदर बॉडी के अंदर प्रेजेंट है ऐसे तो मेट्रीपोराइट से होकर के इस कैनाल के अंदर रिंग कैनाल के अंदर पहुंच गया पानी अब रिंग कैनाल से ये पानी पहुंचता है टू आर्म्स और आर्म्स तक इसे ले जाने का काम करेंगी रेडियल कैनाल्स राइट और इन रेडियल कैनाल से भी फर्दर छोटी छोटी कैनाल्स निकली हुई हैं तो इस तरीके से पूरी बॉडी के अंदर जो पानी पहुंचा उसको पूरी बॉडी में सर्कुलेट कर दिया गया अब होता क्या है बच्चों जो नीचे ये जो लोअर सरफेस है इस पर इस तरीके से इनके पैर होते हैं जिन्हें हम कहते हैं ट्यूब फीट अब क्या है कि ये जो कैनाल है ये पानी को नीचे की तरफ प्रेजेंट इन स्ट्रक्चर्स में भेजेंगी इस सरफेस पर स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं ये रहे वो ट्यूब फीट दोनों तरफ को हैं राइट तो इन ट्यूब फीट में यहां से जब ये पानी पहुंचेगा तो ये ट्यूब फीट जमीन पर सट जाएंगे और इनमें जैसे जैसे पानी आता जाएगा पानी का जैसे ही फ्लो नीचे की तरफ होगा ये जमीन से सटेंगे एक तरीके से एक वैक्यूम जैसा क्रिएट होगा जब वो पानी वापस जाएगा तो तो ये मूवमेंट में मदद करता है यानी जो ट्यूब फीट हैं केवल तभी फंक्शन करेंगे जब इन रेडियल कैनाल्स के जरिए इनके पास पानी पहुंचेगा सो देअर आर मैं यहां पर शो कर देती हूँ दे मैनी ट्यूब फीट जिनकी मदद से जो स्टारफिश है वो लोकोमोशन प्रेजेंट करेगी So, ये रहे इनके इस तरीके से ट्यूब फीट है। कोई दिक्कत अगर मैं इधर देखूं तो नीचे के सरफेस पर कुछ ऐसे दिखाई देंगे एनी प्रॉब्लम सो नीचे वाले सरफेस पर यानी बॉडी के अंदर हमें क्या क्या स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे इंटरनल स्ट्रक्चर्स कौन कौन से हैं इंटरनल स्ट्रक्चर्स हैं यहां पर एक है रिंग कैनाल ये रिंग कैनाल खुलेगी किसमें यह खुलेगी इंटू रेडियल केनाल्स और ये रेडियल कैनाल्स खुलेंगी इंटू लेट्रल केनाल्स और इन लेटरल केनाल के जरिए पानी पहुंचता है एक सरफेस स्ट्रक्चर के अंदर विच इज कॉल्ड ट्यूब फीट सो यहां पर माउथ और ट्यूब फीट हो गए इनके सरफेस पर प्रेजेंट स्ट्रक्चर्स और बाकी सब है इनके इंटरनल स्ट्रक्चर्स सो इस मेड्रीपोराइट से होते हुए जब ये स्टोन कैनाल और स्टोन कैनाल से रिंग कैनाल रिंग कैनाल टू रेडियल कैनाल टू लेटरल कैनाल जब ये पानी फ्लो करेगा तो इससे बनता है इनका एक सबसे इंपॉर्टेंट सिस्टम दैट इज नोन एज सिस्टम और वाटर वेस्कुलर सिस्टम यानी पानी से बना हुआ वेस्कुलर सिस्टम बॉडी की पूरी वेस्कुलरिटी को बॉडी की पूरी सप्लाई को मेंटेन करने वाला एक सिस्टम प्लीज नोट डाउन टिल दिस पार्ट आगे पढ़ लेते हैं इकाइनोडरमेटा के फिजियोलॉजिकल सिस्टम्स के बारे में सबसे पहले इनका डाइजेस्टिव सिस्टम Uh, जैसे ही एस्खलमस का फॉर्मेशन हुआ था जैसे ही ऑर्गन सिस्टम्स का डेवलपमेंट हुआ था उसके बाद uh, जितने भी फाइलम हैं सब में पाया जाता है कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम दैट मींस माउथ एंड एनस अलग अलग होगा सो so, यहाँ पर भी प्रेजेंट है कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम बट अनलाइक नॉन कॉर्डेट्स जिनमें माउथ का डेवलपमेंट पहले होता है इकाइनोडर्मेटा में कॉर्डेट्स की तरह एनस का पहले डेवेलपमेंट होगा सो दीज आर ड्यूटेरो स्टोमिक और ड्यूटेरो स्टोमस यानी एनस डिवेलप फर्स्ट इज आर क्लियर नेक्स्ट इज रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन के लिए इनके पास इनके जनरल बॉडी सरफेस बोल सकते हो या कह सकते हो इनके ऊपर कुछ स्पेशलाइज्ड कुछ जनरल बॉडी सरफेस के ऊपर कुछ स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है जैसे कुछ उभार है जैसे हमने पेप्यूले कहा था डर्मल ब्रैंक के कहा था तो कई सारे ऐसे सरफेस कई स्ट्रक्चर्स यहाँ पर पाए जा सकते हैं बट ओवरऑल ये जो uh, जितने भी सिस्टम्स हैं ये बहुत वेल डेवलप्ड स्टेट में नहीं होते राइट सो टॉकिंग अबाउट द रेस्परेशन दैट इज़ देयर मैं लिख देती हूं यहां पर डर्मल ब्रांकी दैट इज हेल्पिंग देम और कुछ मेंबर्स में गिल्स भी पाए जाते हैं राइट ओवरऑल रेस्पिरेशन में हेल्प करता है इनका वॉटर वेस्क्यूलर सिस्टम सो वी कैन राइट वॉटर वेस्कुलर सिस्टम और एम्ब्यू सिस्टम हेल्प्स इन इट राइट एक बार दोबारा से यहां पर इस चीज को रिवाइज कर लेते हैं कि एम्ब्यूलेक्रल सिस्टम कैसे बना है जो वाटर है इसकी एंट्री होती है इनटू मेड्रेपोराइट मेड्रेपोराइट से ये कहां पहुंचा इनटू अ कैनाल कॉल्ड स्टोन कैनाल, स्टोन कैनाल से पहुंचा इनटू ंग कैनाल from रिंग केनाल into रेडियल कैनाल और इस तरीके से इसे पहुंचा दिया गया पूरी बॉडी के अंदर तो ये जो सिस्टम है जिस जो कि इस तरीके से पानी के फ्लो होने से बना है इंटू दीज कनाल्स दट हेल्प्स इन रेस्पिरेशन एंड ऑल्सो इन लोको मोशन जो कि मैं पढ़ा चुकी हूँ ट्यूब फीट की वजह से काम करते हैं अब बारी आती है इनके सर्कुलेशन की सर्कुलेशन में भी जो ये सीलोमिक सिस्टम्स हैं जो बॉडी के अंदर सीलोमिक फ्लूड है वही मदद कर रहा है इनके पास जो सर्कुलेटरी सिस्टम है दैट इज ऑफ ओपन टाइप तो इतना ज्यादा ये एडवांस्ड फ़ाइलम है बट इसके ज्यादातर फिजियोलॉजिकल सिस्टम्स लेस डेवलप्ड हैं। तो इट हैज गॉट ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम ना इसके पास हार्ट है और ना ही सर्कुलेटरी फ्लूइड एक्सक्रीशन के लिए भी इनके पास कोई प्रॉपर ऑर्गन नहीं है सो so, इसमें भी इनका जनरल बॉडी सरफेस मदद करेगा या कह सकते हो एम्ब्यूलेकरल सिस्टम इनको मदद करेगा इन एक्सक्रीशन टू और ये एक्सक्रीट आउट क्या करते हैं ये हैं पानी में रहने वाले सो दीज आर अमोनोटेलिक राइट नेक्स्ट इज देअर्स स्केलेटन तो यस, दे हैव अ स्केलेटन कैसा स्केलेटन अभी बताया था बॉडी के अंदर छोटे 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 हड्डी के टुकड़े या ऑसिकल्स प्रेजेंट हैं, सो so इट इज एंडो Skeleton, so endoskeleton is made up of bony ossicles. Is that clear? Koi doubt tak? Please note it down till this part. नेक्स्ट इज देयर लोकोमोटरी सिस्टम और देयर लोकोमोशन वेल लोकोमोशन में भी मदद करता है इनका वाटर वैस्कुलर सिस्टम बाय फॉर्मिंग मल्टीपल ट्यूब फीट नेक्स्ट बारी आई इनके नर्वस सिस्टम की नर्वस सिस्टम के नाम पर इनके पास ब्रेन नहीं होता यानी जो एक नर्व गैंग्लिया से बनी हुई रिंग बाकी फाइलम में पाई गई थी वो भी नहीं पाई जाएगी इनके पास केवल नर्व कॉर्ड होती है वो भी पुअरली डेवलप्ड सो so, नर्वस सिस्टम इज ली डेवलप्ड अब आप देखोगे क्या क्या चीजें है पुअरली डेवेलप्ड है इनके पास इनका रेस्पिरेटरी सिस्टम पुअरली डेवेलप्ड है उसमें इनका जो जनरल बॉडी सरफेस है एंड वाटर वेस्कुलर सिस्टम है वो मदद कर रहा है एक्सक्रेटरी सिस्टम भी इनका वेल well डेवलप्ड नहीं है राइट right? uh, इसी तरीके से नर्वस सिस्टम भी पुअरली डेवेलप्ड है राइट सो दे हैव पुअरली डेवेलप्ड नर्वस सिस्टम एंड सेंसरी ऑर्गन्स रख लिया रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्शन को हम पढ़ते आए हैं तीन सब हेडिंग्स में सबसे पहली सब हेडिंग अब तक तो, तो याद हो जानी चाहिए दैट इज देर सेक्शुअलिटी ये होते हैं डाइशियस और जो कि यूजुअली देखा भी जाता है दीज आर यूनी और डाइशियस क्योंकि ऑर्गन सिस्टम्स हैं मेल फीमेल अलग अलग होंगे uh, कैसा दिखाएंगे ये मोड ऑफ रिप्रोडक्शन सो नेक्स्ट इज देयर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन ये दिखाते हैं डेफिनेटली एक एडवांस फाइलम है तो सेक्शुअल रिप्रोडक्शन अब जो सब चीजें इतनी पुअरली डेवलप्ड हैं डेफिनेटली गोनाइड्स या जूनाइटल ऑर्गन्स तो डेवलप हो ही नहीं सकते देव गॉट एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन नेक्स्ट इज दे डेवलपमेंट। इनमें डेवलपमेंट पाया जाता है इन डायरेक्ट टाइप का और इनकी एक स्पेशियलिटी है वो ये कि जो इनका लार्वा है वो रिजेंबल करता है लार्वा ऑफ हैमिकॉडेटा एंड कॉडेटा मोस्ट इंपोर्टेंटली कॉडेटा तो हैकल ने एक आगे चल के जब आप ट्वेल्थ क्लास में पहुंचेंगे तो वहां पे एक थियोरी पढ़ेंगे उस थेरे के अकॉर्डिंग जिसका लार्वा मतलब किसी एडल्ट के साथ में जिसको जो लार्विक लार्वा के साथ में अगर रिजेंबलेंस मिलती है सो इट शोज अ कनेक्शन बिटवीन देम और इसी वजह से भी जो इकाइनो डरमेटा है दैट इज क्लोज टू कॉर्डेटा क्योंकि दोनों के लार्वा में रिजेंबलेंस है राइट सो रिजेंबलेंस की वजह से इट शोज दैट दे आर सम हाउ कनेक्टेड इज दर क्लियर प्लीज नोट इट डाउन टिल दिस पार्ट अब पढ़ लेते हैं इकाइनोडर्मेटा के एग्जाम्पल्स इकाइनोडर्म के एग्जाम्पल्स में जो सबसे पहला है दैट इज स्टारफिश। साइंटिफिक नेम इज एस्टेरियस सेकेंड एग्जाम्पल इज ओफ्यूरा या ओफियोथ्रिक्स ये दिखती स्टारफिश की तरह ही है पर इसकी आम स्टेडी मेडिसी होती है थोड़ी सो इट इज कॉल्ड ब्रिटल स्टार वेल ब्रिटल स्टार का एक स्पेशल कैरेक्टर है कि इसके पास इनकम्प्लीट टाइप ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम देखने को मिलेगा वहीं स्टारफिश का भी एक स्पेशल कैरेक्टर है ये शो करती है ऑटोटोमी और साथ ही साथ हाई पावर ऑफ रीजनरेशन यानी दोबारा से अगर कोई ऑर्गन इसका लूज हुआ तो उस ऑर्गन को दोबारा से जनरेट करने की इसके पास हाई पावर है तो ऑटोटोमी क्या है ऑटो मतलब सेल्फ टोमी का मतलब होता है किसी चीज़ को काटना यानी खुद काट देना तो ये क्या करते हैं स्टारफिश अगर मान लो किसी की पकड़ में आ गई या कभी से गुस्सा आ गया तो ये अपने ऑर्गन को अपनी एक आम को छोड़ के चली जाएगी और उसे बाद में रीजनरेट कर लेगी सो दैट इज Removes its arms by itself if attacked. Is that clear? Third example is Echinus. काफी हद तक इसके नाम को साकार कर रहा है इकाइनोडर्मेटा एंड इकाइनस तो इसका नाम भी इसका स्ट्रक्चर भी कुछ ऐसा ही होता है इसके ऊपर बहुत सारे कांटे हैं बहुत ही सारे कांटे सो दिस इज इकाइनस कॉमन नेम इज सी अर्चिन नेक्स्ट एग्जाम्पल इज एंटेडोन

अभी जो सी क्यूकंबर है ये भी एक स्पेशल कैरेक्टर शो करता है जिसे कहा जाता है ई विश्रेशन ई मतलब हटाना विसरा मतलब इंटरनल ऑर्गन अब इंटरनल ऑर्गन्स को हटा तो नहीं सकते ये ये क्या करते क्या हैं अगर ये कभी डर जाए तो ये अपने इंटरनल ऑर्गन्स को मुंह के रास्ते बाहर फेंक देते हैं राइट सो ई विसरेशन इज Throwing out visceral organs if frightened or if they are angry. इसके साथ फिनिश हुआ फाइलम इकाइनोडर्मेटा इन नेक्स्ट क्लास विल बी स्टडिंग अबाउट फ़ाइलम हैमी कॉडेटा एंड इसके साथ फिनिश हो जाएगा हमारा नॉन कॉडेटा दैट्स वॉट फॉर द क्लास टूडे सी यू द नेक्स्ट क्लास थैंक यू